Adobe Camera Raw एक पावरफुल और निहायत ही फीचर रिच प्लगइन है। व्यूअर्स, Adobe Camera Raw का इस्तेमाल फोटोशॉप के तमाम यूजर्स नाउ फ्रीक्वेंटली बेसिस में करते हैं। व्यूअर्स, Adobe Photoshop को यूज करना और इसका इंटरफेस व्यूअर्स निहायत ही इजी टू यूज है। सिमिलरली व्यूअर्स, Adobe Camera Raw के इस्तेमाल से हम PNG, DNG फाइल फॉर्मेट, JPEG, TIFF, इवन व्यूअर्स रॉ फाइल फॉर्मेट को डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। व्यूअर्स, इन तमाम फाइल फॉर्मेट्स के फाइल की व्यूअर्स कलर इन्हेंसमेंट टूल्स को सेट कर सकते हैं, कलर मैनेजमेंट कर सकते हैं, व्यूअर्स ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, देन व्यूअर्स इमेजेस में रीटच इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड मोर। व्यूअर्स, Adobe Photoshop को यूज करना व्यूअर्स इमेजेस को इन्हेंस करने के लिए व्यूअर्स ऑब्वियसली ये एक निहायत ही वंडरफुल काम है। लेकिन व्यूअर्स, मैं हाईली रिकमेंड ये करता हूं कि फोटोशॉप में किसी भी इमेज को ओपन करके काम करने से पहले व्यूअर्स उस इमेज की कलर इन्हेंसमेंट के लिए आप Adobe Camera Raw का इस्तेमाल जरूर किया करें। व्यूअर्स, Adobe Camera Raw में इमेजेस को ओपन करना निहायत ही ईजी टेक्निक है। उसके लिए व्यूअर्स मैं सिंपल अभी फोटोशॉप को मैक्सिमाइज करता हूं और यहां से व्यूअर्स में Adobe Bridge में जंप करना चाहता हूं। सो व्यूअर्स में यहां पर क्लिक करूंगा। इस वक्त व्यूअर्स में Adobe Bridge के इंटरफेस के अंदर मौजूद हूं और व्यूअर्स Adobe Camera Raw Essentials के फोल्डर में हमारे पास कुछ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के व्यूअर्स यहां पर इमेजेस मौजूद हैं। जैसे कि व्यूअर्स ये DNG फाइल फॉर्मेट का इमेज है और ये हमारे पास व्यूअर्स रॉ फाइल है। व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि जस्ट इस इमेज को Adobe Camera Raw में ओपन करूं, तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स आप राइट हियर इस आइकन पर क्लिक करें व्यूअर्स। और इसी के साथ हमारे पास दो मजीद ऑप्शन है इमेजेस को Adobe Camera Raw में ओपन करने के लिए। इमेज को सिलेक्ट करें व्यूअर्स, फाइल के पुल डाउन मेन्यू में जाएं और यहां से व्यूअर्स ओपन इन कैमरा रॉ इस कमांड को यूज करें, या फिर व्यूअर्स आप कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल आर भी यूज कर सकते हैं। इवन इन तमाम टेक्निक्स को व्यूअर्स यूज करके आप किसी भी सिलेक्टिव इमेज को Adobe Camera Raw में इजिली ओपन कर लेंगे। सो व्यूअर्स, में इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद राइट हियर इस आइकन पर मैं क्लिक करूंगा। व्यूअर्स, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि Adobe Camera Raw ओपन हो चुका है। व्यूअर्स, ये है बेसिकली कैमरा रॉ का इंटरफेस जिसे व्यूअर्स हम आने वाले लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया, इमेजेस की एनहेंसमेंट करने के लिए व्यूअर्स ये कमाल का प्लगइन है फोटोशॉप में। सो व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा और मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स, जब आप कलर को इन्हेंस कर लें और इसे फोटोशॉप में ओपन करना चाहें तो जस्ट इस बटन पर आप क्लिक करें। वगरना व्यूअर्स, अगर आप Adobe Bridge में दोबारा रिटर्न आना चाहें तो फिर व्यूअर्स आप डन के इस बटन पर क्लिक करें। मैं इस वक्त Adobe Bridge के अंदर मौजूद हूँ, व्यूअर्स मेरे साथ रहिए।